हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो हवा आपको महल। बताएंगे। बता। हवा महल जा रहे हैं और फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में आगे, तो बने रहे हमारे साथ में। चलिए चलते हैं अभी सिटी में। चलो ये है हमारी बसंती। हमारी बसंती को उठा के हम चल दिए हैं हवा महल घूमने, क्योंकि ये सिटी में पड़ता है। जयपुर में जो रहते हैं वो सभी जानते हैं हवा महल। मैं आज तक कभी भी नहीं गई हूँ। मुझे आज 8 साल हो गए जयपुर में रहते हुए, लेकिन हवा महल के अंदर नहीं गई। बाहर हम वहाँ पे रहते थे हवा महल के पास में, तो बाहर से हम इतनी बार निकल के गए हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं गए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक सिटी में, इसलिए घुसने का मन नहीं करता क्योंकि रिक्शे की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है कि हालत ख़राब हो जाती है वहाँ चलने में। उसके बाद हमने टिकट ली, थोड़ी देर लाइन में खड़े होकर ये एंटर करा। हमें अंदर का है जब एंटर करते ही। उसके बाद में थोड़ी फोटो सेशन वगैरह करा, फिर हम गए फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर की तरफ। तो ये जो जो भी महल वगैरह है वो सब एक जैसे ही हैं, मतलब अंदर से। जब आप एंटर करते हो तो अंदर ये गाने वगैरह चल रहे होते हैं, राजस्थानी गाने। उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई यहाँ पे खड़ी होकर। इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे क्योंकि हम 26 जनवरी को गए थे, तो उस दिन छुट्टी होती है। तो यहाँ से पूरा आपको ऊपर का व्यू दिख जाता है, ये नाहरगढ़ की पहाड़ी दिख जाती है आपको, जयपुर का ट्रैफिक पूरा सिटी का दिख जाता है यहाँ से, और सामने जो कैफ़े है जहाँ पे ये वेडिंग शूट वगैरह होते हैं वो दिख जाता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा वो थी यहाँ की छोटी छोटी खिड़कियाँ, इतनी क्यूट सी थी कि इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो खिड़कियों के पास ही बैठी रहूं। यहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ थी वो बंद कर रखी थी, पता नहीं क्यों बंद कर रखी थी, कि वहाँ पे कोई गिर जाएगा कि कूद के छलांग लगा देगा या बाहर का था यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने देखा कठपुतली डांस, खूब देर तक देखा कठपुतली डांस। उसके बाद हम हवा महल घूम के फिर गोविंददेव जी पास में पड़ता है तो हम गोविंददेव जी दर्शन करने चले गए। जूते वगैरह के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद हाथ किसी धोए और की जूते रख चप्पल यूज के, करते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा काम चला था पहले, तो बहुत अच्छा सजा हुआ था और हमने अच्छे से दर्शन करे क्योंकि उस टाइम आरती चल ही रही थी। दर्शन करके वापस आए। उसके बाद ये फाफड़ा मैंने पहली खा के बताओ माया कैसा है फाफड़ा, तभी खाबो नहीं फाफड़ा, कैसा लगा फाफड़ा? अच्छा है,